नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। बाबू एक बात बताओ, अगर हमने वो पिछला वीडियो बना रखा है, आपने अगर देखा है प्रसाद का, तो ज़रूर बताएंगे आपको लोग इस कमेंट बॉक्स में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ये 21 से प्रश्न स्टार्ट होगा, 20 पढ़ा चुके हैं। देखिए स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा होगा, ज़रा पढ़िए। प्रश्न कहता है, एक आदमी 2400 रुपये कमाता है और 600 रुपये की बचत करता है, उसकी आय का कितने प्रतिशत खर्च हो जाता है? तो एक बात बताओ, 2400 उसने कमाई की और 600 रुपये क्या किया, खर्च कर दिया। तो भैया कितना बचा बताओ ना, 1800 रुपये वो बचाता है। अब कहता है कितने प्रतिशत बचाता है ना, तो 1800 रुपये वो बचाया और प्रतिशत के लिए गुणे 100। और हाँ, किसमें बचाया? वो बचाया जानते हो 2400 रुपये में बचाया। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 6 3 18, 6 4 24 और 25 4 100, 25 3 75। तो 75% की बचत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, 20% का 40% क्या होगा? कहता है 20% का 40% क्या होगा? तो देखिए 20%, भाषा बदली है, 20% यानी तो बटे 100, इसका 40% क्या होगा भाई, ये बात कहता है। तो इसका 40% क्या होगा? तो एक बात बताओ, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, 4 2 8 और बटे 100। अब इसका प्रतिशत बता रहा है ना, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो कितना प्रतिशत होगा? 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक तथा दूसरे टेस्ट में 22 अंक प्राप्त किए, तो दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? समझिए, जो नंबर था प्राप्तांक का, पूर्णांक का, जो पूर्णांक था उसका, जो पेपर हुआ उसका, वो 25 नंबर का हुआ। कितने का हुआ? 25 का। बात समझिए, 25 में उसने प्राप्त किए पहले नंबर में कितने? 18 अंक प्राप्त किए। तो भैया एक बात बताओ, प्राप्तांक गुणे 100 और बटे पूर्णांक, ये हम बता चुके हैं पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका निकालते हैं क्या, 18 पाया और गुणे 100 और बटे पूर्णांक कितना है 25, तो 25 4 100, 18 4 72% अंक पाया। दूसरी बार जब टेस्ट हुआ तो उसने जानते हो 22 अंक प्राप्त किए, किसमें? 25 में से, तो 25 4 100, तो 22 4 कितने होते हैं? 88। अब कितने प्रतिशत अंक प्राप्त अधिक किया? तो 22 में से अगर हम 72 माइनस कर देंगे ना, तो 8 से 2 गए कितना बचा? 6। 8 से 7 गए कितना बचा? 1। तो वो जानते हो 16% अधिक अंक प्राप्त किया दूसरी बार में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 250 संतरों में से 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिए गए, तो कितने प्रतिशत संतरे बचे? कितने प्रतिशत संतरे बचे? तो 250 संतरे थे और जो वितरण किए गए वो 50 संतरे वितरण किए गए। अब कितने प्रतिशत संतरे बचे? तो इससे माइनस करेंगे तो 200 अंक संतरे बचे। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 200 × 100 और बटे कितने थे? 250। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 4 20 और 5 25, 5 2 10, 5 0 0, 20 4 80, यानी 80% जो है संतरे बचे और 20% संतरे बांट दिए गए। तो बाबू डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कहता है, दो उम्मीदवार के बीच हुए किसी चुनाव में 2000 मत डाले गए, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? अब एक बात बताओ, जो मतों की संख्या रही होगी वो 100% रही होगी, एक को मिला 60% और तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा ना। तो 20,000 का जो है, 20,000 का हम 40% निकाल लेंगे तो बता देंगे कि जो हारने वाला उम्मीदवार था उसे कितने मत मिले, यानी कितने वोटों की संख्या उसे प्राप्त हुई। तो 20,000 × 40 / 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल,
चार दूनी आठ, एक दो और तीन जीरो, यानी जो हारने वाला था उसे 8000 मत मिले। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, कहता है निम्न में कि कौन सी संख्या 1 का 100% प्लस 100 का 1% है। कहता है एक का 100%, ठीक है, और प्लस 100 का 1%, 100 का 1%। तो देखिए 1 × 100 और बटे 100 प्लस 100 का 1% और बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 1 + 1 = 2। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, 320 का 68% का मान होगा। तो भैया 320 का 68% निकालना है, तो 320 × 68 और बटे 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, 68 और 32 की गुणा करते हैं, तो 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, 6 4 3 7 और 1 और 2। अब एक स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आएगा, 217.6, कितना आएगा, 217.6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, 400 का 30%, 400 का 30%। तो भैया 400 × 30 और बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12, यानी 120 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपये है तो राकेश का वेतन बताइए। अच्छा एक बात बताओ, जो राकेश का वेतन है वो अब कितना है, 1100 रुपये है, 1100 है, तो इसका 15% हम निकाल लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 × 15, 15 × 15, 16, 165 रुपये अधिक उसका है ना। तो 1100 में अगर हम 165 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1265 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, 145% बराबर है दशमलव के बराबर पूछता है। तो 145 किसके बराबर है, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लाएंगे, तो 1 4 5, यानी 2 स्थान बाद अगर हम पॉइंट रखते हैं तो कितना होगा, 1.45 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए, 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या हो सकती है। तो 80 से अगर हम इसका 80 का 10% निकाल लेते हैं तो वह संख्या कितनी बड़ी हो सकती है, 8 बड़ी हो सकती है, कितनी, 8। तो 80 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो वह संख्या 88 हो जाएगी बाबू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, प्राकृतिक संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत क्या होगा। तो भाई एक बात बताओ, पहले अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11, फिर 13, फिर 19, यानी कितनी संख्या हो गई, 8 संख्याएं हो गई। अब कहता है प्राकृतिक संख्या होती कितनी है 1 से 20 तक, तो भाई संख्या तो 20 हुई, तो प्रतिशत कहता है तो 8/20 और × 100, तो 20 × 5 = 100, 8 × 5 = 40, तो 40% वो संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट थे, ये बात कहता है। तो एक बात बताओ, 15% जो है ये इसकी वैल्यू 171 की है, कितनी है, 171 की है। अब कुल पूछता है, कितना पूछता है, कुल। तो भैया 5 3 15, 5 2 10, 5 0 0, अब 3 5 15 और 3 7 21, 0 2 7 14 और 2 5 10 11। जानते हो टिकटों की जो कुल संख्या थी वो 1140 थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34 देखें, निम्न में से कौन 1.01 के तुल्य है।
परसेंटेज बताना है, तो 1.01 के तुल्य, तो क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, दो स्थान बाद है तो बटे में 100 लाएंगे, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे गुणे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 101 के प्रतिशत वह संख्या तुल्य होगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, टमाटर के भार में 90% पानी है, तो 25 किलो टमाटर में पानी का प्रतिशत क्या होगा। तो भैया 25 किलो में बता रहा है ना, तो 25 का जो है 90% हमें निकाल लेना है, तो 25 गुणे 90 बटे 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 25 नवा होते हैं 225, 25 नवा 225, एक स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 22.5 जो है केजी जो है पानी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 36 देखिए कि भैया 29.4 का 42 का कितना प्रतिशत होगा, तो 29.4 का जो है 42% कहता है, 42% निकालना है। तो देखिए 29.4 और गुणे 100 और बटे 42, ये बात कह रहा था। अब बताओ पॉइंट हटाएंगे, जीरो इधर लाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब 2 × 7 = 14, 4 × 7 = 28, एक हासिल 29, यानी 42 सत्य जो होते हैं वो 294 होते हैं। ध्यान से देखिए, 2 × 7 = 14 हासिल लगा, एक लगा नहीं लगा बताओ, 4 × 7 = 28 और 1 = 29 हो गया थोड़ा ना, कैलकुलेशन फास्ट करिए तो कितना होगा 70% होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, एक पार्किंग वाली जगह में खड़ी प्रत्येक 8 कारों में एक नीली रंग की कार है, इस समूह में कितने प्रतिशत कारें नीली हैं। तो क्या करना है, 8 का जो है, 8 का हमें 1% निकालना है, कितना निकालना है 1% निकालना है, तो 1/8 और गुणे 100, 1/8 गुणे 100। तो देखिए 2 से पहले 4 8 करना, 2 से काट 4 से काटते हैं, 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, यानी 12.5% जो है कारें नीली हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, एक व्यक्ति को 5,000 रुपये का कर देना यानी टैक्स देना पड़ता है, उसने केवल 250 रुपये ही दिए, तो कर का प्रतिशत जो उसने दिया था, तो भैया उसने दिया कितना है 250 रुपये, प्रतिशत के लिए गुणे 100, और हाँ कितने में दिया है 5,000 में उसने दिया है, कितने में 5,000 में, तो 3 जीरो कैंसिल, 5×25, तो उसने जानते हो 5% उसने टैक्स भरा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, संख्याओं 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या का प्रतिशत। अब 10 से 34 के बीच जो है अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती, पहले वो लिखते हैं, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। हर हाँ ये अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या किसी से ना कटे, जो संख्या किसी से ना कटे, स्वयं से संख्या वा कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अच्छा इनकी जो संख्या है बाबू वो कितनी हो गई, 7 हो गई, कितनी संख्या हो गई 7 संख्या हो गई। अब कहता है प्रतिशत, अब एक बात बताओ 34 से 10 से जो है 34 बता रहा था, तो संख्या 10 से और 34 का जो होगा वो संख्या होगी कितनी होगी, 25 संख्याएं होंगी, कितनी होंगी 25 संख्याएं होंगी। अब बताओ 25 संख्याएं होंगी, अब संख्या निकालने के लिए ध्यान रखना कैसे निकालेंगे संख्या, 34 से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर कितना होगा बाबू बताओ ना, यहाँ पर कितना होगा 2 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो संख्या 25 हो जाएगी। कैसे, 10 तो भी थी संख्या, वो तो 25 संख्याएं हुई, तो 7/25 और गुणे 100, तो 25 × 100, 7 × 28% होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है
कौन सा सही होगा? ए। बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने बताया था 10 से, तो 11, 12, 13 जोड़ देंगे तो संख्या 14 बनेगी ना। तो भैया 10 तो भी थी संख्या, इसीलिए हमने एक जोड़ दिया तो कुल संख्याएं बनी 25। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए। एक चावल 50 रुपये प्रति किलोग्राम से मिलता है। एक स्टोर ने चावल पर 10% बट्टा दिया, देना आरंभ किया। 2,250 रुपये 50 पैसे में कितने ग्राम चावल मिलेगा? कहता है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम से उसने चावल दिया, लेकिन उसने छूट किया, हमने कहा छूट दे देगा कितना, 10%। अब उसे कितना जो है मिलेगा, अब बताओ भैया। तो 50 का अगर हम 10% निकाल लेते हैं, 50 का 10% कितना होगा? तो भैया कितना बनेगा, ये 5 बनेगा ना, 5 रुपये बना। अब 5 रुपये बना तो 50 में से अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो कितना बनेगा, 45 रुपये बनेगा ना। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा इसका? तो 1 किलो दाम का जो है वो 45 रुपये हुआ, कितना हुआ, 45 रुपये हुआ। अब एक बात बताओ, हमारे पास है 202 रुपये, कितने हैं, 202 रुपये 50 पैसे, 202 रुपये 50 पैसे हैं। तो अगर हम इसे 45 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, 45 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 सही 1/2 आएगा, कितना आएगा, 4 सही 1/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कारण बताने की कृपा करेंगे। और हाँ, अगला पार्ट आ रहा है 41 से स्टार्ट होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।